जिंदा है तो अपने जिंदा होने का प्रमाण दो। मौत एक दिन आनी है। अगर मौत तुम्हारे घर पे लिखी है तो तुम्हारे तुम कितना भी बच लो वो आ जाएगी। और अगर तुम्हारी मौत नहीं लिखी है तो आप लड़ रहे हो, कानूनी कार्रवाई कर रहे हो या मैदान जंग में हो, अगर मौत नहीं लिखी हो तो आपको पता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दिलों से ये डर निकालने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं अपना फ़र्ज क्या है समाज के प्रति ये समझने की ज़रूरत है। एम बदर साहब इस वक्त हमारे साथ है और अकोला शहर के कई ऐसे एडवोकेट्स हैं जिन्होंने दंगों के वक्त में जितने भी बेकसूर मुस्लिम जो गिरफ़्तार हुए उन्हें ज़मानत दिलवाने के लिए काफ़ी मेहनत की और वो भी बिल्कुल फ्री में किया, मुफ्त में किया कौम की खातिर। तो एडवोकेट एम बदर साहब, एक बात आपसे जानना चाहेंगे हम कि आप जैसे एडवोकेट्स आज है लेकिन अगले बीते कुछ सालों के बाद में आप जैसे एडवोकेट कैसे पैदा हो पाएंगे समाज में, उनके लिए क्या करना चाहिए हमें अभी, क्या ऐसे एडवोकेट्स बने हमारे नौजवान? देखिए क्या है, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ है जिसमें बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, पारसी आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, मुस्लिम आते हैं, ख़ासतौर पे मुस्लिम समाज में जो पिछले कुछ सालों से जो उनके साथ में एक भेदभावपूर्ण व्यवहार होते आ रहा है, इसको समझते हुए एक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए आने वाली जनरेशन को इस ताल्लुक से हम लोगों को ही उनको जागरूक करना होगा, उन लोगों को गाइड करना होगा और हम लोगों को ही उनको तैयार करना होगा। अब आपका जो सवाल है कि अभी आने वाली जनरेशन को कैसे तैयार किया जाए, तो इस ताल्लुक से मेरा ऐसा सुझाव है कि जो न्यू लॉयर्स है, ये जो LLB कर रहे हैं या जो एजुकेशन ले रहे हैं, ऐसे लोगों की बाकायदा वर्कशॉप ली जानी चाहिए और इन लोगों को अपनी सामाजिक और अपने ब्रदर्स के ताल्लुक से, समाज के ताल्लुक से जो बुराइयाँ है उसको कैसा रिड्रेस करना है और उसके लिए अपना क्या फ़र्ज़ बनता है, इस ताल्लुक से उनको जागरूक करना वक्त की ज़रूरत है और ये होना ही चाहिए। और आने वाली जनरेशन को ये मामले में जागरूक रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ उनका इस हद तक के एक्सप्लॉयटेशन होगा, इस हद तक के उनके साथ में ज़्यादती होंगी कि वो आवाज़ निकालने की भी लायक नहीं रहेगी। और जो लोग इंसाफ के लिए लड़ते हैं वही लोगों के दखल इतिहास लेता है, जो लोग बुजदिल बनकर सरेंडर कर देते हैं वो लोगों के दखल इतिहास कभी नहीं लेता। जिंदा है तो अपने ज़िंदा होने का प्रमाण दो। मौत एक दिन आनी है। अगर मौत तुम्हारे घर पे लिखी है तो तुम कितना भी बच लो वो आ जाएगी। और अगर तुम्हारी मौत नहीं लिखी है तो आप लड़ रहे हो, कानूनी कार्रवाई कर रहे हो या मैदान जंग में हो, अगर मौत नहीं लिखी हो तो आपको फतह मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दिलों से ये डर निकालने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं अपना फ़र्ज़ क्या है समाज के प्रति ये समझने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात भी कहा था कि कानून का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है, तो कानूनी नॉलेज हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए मुस्लिम समाज को? देखिए कैसा है, मुस्लिम समाज के ताल्लुक से एक देखने में आया है कि मुस्लिम समाज में कानून को जानने के प्रति उत्साह कम है और कहीं ना कहीं उनकी इग्नोरेंस, उनकी जो समझ नहीं है उसका ही गैर फायदा उठाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कानूनी पढ़ाई को नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। कुछ साल पहले तक के कानून और कानून की पढ़ाई को एक दूसरी नज़र से देखा जाता था कि भाई ये इसमें झूठ बोलना पड़ता है, इसमें कि इसकी जो कमाई है ये बराबर है नहीं है। मुझे लगता है कि कानून की जानकारी, बुनियादी जानकारी हर मुस्लिम ने और हर समाज के लोगों ने लेना चाहिए। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो ऐसे कई बुक्स अवेलेबल है जिसमें बुनियादी कानूनी हकायक, हुकूक़ क्या है, राइट्स क्या है और किस तरह के अपने बुनियादी बातों को आप, ग्रीवेंसेस को आप रिड्रेस कर सकते हैं, इस तारुक से मार्केट में बहुत बुक्स अवेलेबल है। उर्दू में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, मराठी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है। इवन अगर आप महाराष्ट्र शासन की बात करें तो एक सिटीज़न चार्टर नाम का एक बुक है जो आपको गवर्नमेंट प्रेस में मिल सकता है। सिटीज़न चार्टर एक ऐसा बुकलेट है जिसके अंदर आम नागरिकों के हक क्या है और वो अपने हक को कैसा रिड्रेस कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी है। तो इस संबंध में जानकारी लेना अभी ये एक लग्जरी नहीं हुआ, ये वक्त की ज़रूरत है, इसको लेना ही पड़ेगा तभी अपने डिफेंस कर पाओगे, तभी अपना कानूनी तरीके से अपनी बात को रख पाओगे, वरना आम लोगों की तरह तुम भी पीछे जाओगे। तो ये कानून की जानकारी लेना और कानून के फील्ड में आना ये ज़रूरत है और इसको समझने की, इसकी तरफ आकर्षित होने की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है।